स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स अकेडमी। लेटेस्ट एंड गुड न्यूज़ उन बच्चों के लिए यहाँ पर, जो बच्चे यहाँ पर 10th पास हैं, ठीक है, ओनली 10th पास हैं और 18 प्लस उनको एज है, तो वो ये फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वैकेंसी देख सकते हैं, BSF, CSF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF और NCB में जो है ये रिक्रूटमेंट निकली आई। ये फोर्सेस हैं सारी, ठीक है ना, जैसे BSF फोर्स होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स है, CRPF है, SSB, ITBP, इंडो तिब्बतन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन सब की रिक्रूटमेंट निकल के आई है। और यहाँ पर देखो SC कैटेगरी में BSF की कितनी पोस्टें हैं, 2018, और ST में कितनी है, यहाँ पे देखो OBC में कितनी है, EWS में कितनी है, जनरल में कितनी है, और टोटल जो है 13,306 वैकेंसी जो है मेल की BSF में है। 13,000 भी बहुत होती है, ठीक है। और फीमेल को देखिए, यहाँ पर 15,654 वैकेंसी है टोटल, जो कि 356 जो है SC कैटेगरी की, ST की 262 है, 510 OBC की, IWS की 234 है, और 986 जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी है। इसी तरह से अलग अलग पोस्टें CSF में देखो कितनी दी हैं, मेल का अलग दिया है, टेक्सचर यहाँ पे देखो मेल का है ये, ठीक है, आपको मैं यहाँ से बता देती हूँ, ये मेल का पोर्शन है यहाँ पे देखिए दिया है, और ये फीमेल का है, ठीक है। तो हर कैटेगरी में किस में कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो SSB में है मेल्स को तो है, लेकिन फीमेल को SSB में कोई भी वैकेंसी नहीं रखी है, ठीक है, ओनली मेल को रखी है, फीमेल को नहीं है, ठीक है। उसी तरह से SSF वाले भी जो हैं ये फीमेल को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो है वैकेंसी नहीं, SSB और SSF में, और बाकी जो है टोटल वैकेंसी जो बात की जाए सभी फोर्सेस की 35,612 मेल की है, और यहाँ पर लगभग आप लगा लो कि 40,000 के आसपास जो है फीमेल की वैकेंसी है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। अब जो बच्चा चाहता है ये फॉर्म अप्लाई करने को, वो 8082874110 पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना फॉर्म जो है घर बैठे भी फिलअप करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें आपकी सैलरी क्या रहेगी। देखिए, पे स्केल जो है लेवल वन वालों को 18,000 से 60,000 के बीच जो है आपकी सैलरी आपको मिलेगी, 50,000 ही रखो, ठीक है ना। और पे लेवल अगर 3 की बात की जाए तो 21,000 से 70,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। और ये वैकेंसी निकली है SSC की तरफ से, ये नया नोटिफिकेशन आया, सेंट्रल कॉन्स्टेबल GD की वैकेंसी है, यानी कि CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और SSF राइफलमैन, GD आसाम राइफल, सिपाही, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन, ये सारा आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कब से लग रहे हैं। 5 सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, और 14-10 को इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और इसका एक ही पेपर होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड पे होगा, जो कि जनवरी और फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। और इसकी आपको ही मैं यहाँ पर एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा वो भी आपको बताऊँगी। फ़िलहाल आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 23 रखी गई है, ठीक है। 18 से 23 आपकी एज होनी चाहिए ओपन मेरिट कैटेगरी को। और अगर आप स्टूडेंट को SC ST कैटेगरी है तो 5 साल और छूट दिए जाएंगे, OBC है तो 3 साल की छूट, एक्स सर्विस मैन है तो 3 साल उनको छूट है, जो चिल्ड्रन जिनके विक्टिम 2002 गुजरात के टाइम जो है जिनकी डेथ हुई थी, तो 5 साल उनको छूट दी गई है, ठीक है। ये सबको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको मैंने बता दी कि क्या है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पास जो है NCC अगर सर्टिफिकेट है, यहाँ पे देखिए NCC सर्टिफिकेट अगर ABC है तो इतनी परसेंट आपको एग्ज़ाम में छूट मिलती है, ठीक है। ए को 2% है, बी को 3, और सी को 5% की छूट दी जाती है, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए नंबर हमने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है, चाहे तो हमसे फिल करवाइए या तो आप जो है साइबर कैफ़े जाके भी फिलअप करवा सकते हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसका सेंटर कहाँ पे होगा, एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होने वाला है। आप चाहें तो जहाँ इन जगहों से कहीं भी अगर आप सेंटर रखना चाहते हो तो आपका वहाँ पे ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ है, मोहाली है, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर,
ले, अमृतसर, बठिंडा, तो इन जगहों पे जो है आपका सेंटर है। तो अगर आप जहाँ भी चाहो इनमें से एग्ज़ाम देना चाहते हो तो एग्ज़ाम आप वहाँ पे दे सकते हो। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम किस तरह से होने वाला है। तो एग्ज़ाम जो है वो आपका CBT मोड होगा, कंप्यूटर पर 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको जो है 20 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और GK भी जो है 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, मैथ 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इंग्लिश रखो या हिंदी रखो वो आपका ऑप्शनल होता है वहाँ पर ही एग्ज़ाम के टाइम, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आपको होगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने 0.25 बहुत ही कम है, ठीक भी है, 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग भी रखी है, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चा चाहता है अप्लाई करने को तो वो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर ये डिटेल में सिलेबस दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है, जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, GK में कौन सा पढ़ना है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपका जब एग्ज़ाम हो जाता है, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मेल की रनिंग है 5 किलोमीटर जो कि 24 मिनट में कंप्लीट करनी है, ठीक है, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर रनिंग है, 8.5 मिनट दिए जाते हैं, तो बिल्कुल इजीली जो है ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो रनिंग है ये लद्दाख वालों की नहीं है, ओनली JK की है, लद्दाख वालों की रनिंग ये है, ठीक है। अगर लद्दाख से कोई अप्लाई करना चाहता है तो 1.6 किलोमीटर जो है 7 मिनट में मेल को कवर करनी है, और 800 मीटर जो है वो 5 मिनट में कवर करनी है लद्दाख वाले, लद्दाख रीजन को, ठीक है। हाइट देख लीजिए, मेल की हाइट जो है 170 होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आपका फिर मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सबसे पहले मेन रहा आप फोकस कीजिए। अब देखो काफ़ी बच्चे ओवर एज भी हो चुके हैं, तो आप फोकस कीजिए कि ओनली आप जो है बच्चे क्या कर सकें, इसका सिलेबस अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि टॉपिक वाइज जो है आपको कौन कौन सा कवर करना है वो बताया है, सिलेबस पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे, जो बच्चा चाहता है हम उनके लिए SSC GD के लिए भी पढ़ाएंगे। लेकिन आप ठानो कि हमने इस बार जो है SSC GD निकालना ही निकालना है, तब जाके जो है फॉर्म भर के कुछ नहीं होगा, फॉर्म भर लोगे पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा बताओ। फॉर्म तब भी भरना है जब आप चाहते हो कि हम इसमें जाना चाहते हैं, और कंपटीशन भी बहुत है और वैकेंसी भी बहुत अच्छी यहाँ पर आई है, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, हैव अ नाइस।